कि 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने के बारे में फरीदाबाद के छात्रों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जहां कुछ छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा को लेकर उनकी अच्छी तैयारी थी और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ऐसे में सरकार को परीक्षाएं लेनी चाहिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो वहीं कई छात्रों के मुताबिक प्रेशर ज्यादा हो गया है। उधर 10वीं के छात्रों के मुताबिक परीक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि उनके पैसे भी स्कूल में गए और ट्यूशन में भी पढ़ाई के साथ साथ समय और पैसे का नुकसान भी हुआ। वहीं अभिभावक भी कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई और समय दोनों के साथ पैसे का भी नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? दिव्य रंजन। दिव्य रंजन। बेटे कौन सी क्लास में आप? टेंथ में। इस बार आपके पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे? कैसी आपने तैयारी की थी? बहुत अच्छी से तैयारी की थी, सारे पेपर गए थे। और ऑनलाइन पढ़ाई की थी आपने, ट्यूशन भी लिया था। अच्छा, अब आपने पूरी मेहनत की है, अब परेशान नहीं होंगे तो परसेंटेज कम आ जाएंगे। हाँ, कैसे बच्चे पढ़े हैं? तो आप पेपर देना चाहते हैं? तो सर, प्रशासन को क्या करना चाहिए? आपकी परीक्षा होनी चाहिए, 10-20 बच्चे को बुलाना चाहिए एक दिन में, नेक्स्ट बच्चे बुलाना चाहिए। मतलब आप पेपर देना चाहते हैं? ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? राहुल। कौन सी क्लास के छात्र हो? अब CBSE की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं सरकार ने, क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी पढ़ाई पर? जो आपकी साल में पढ़ाई पर तो फर्क पड़ेगा कि हमारी परसेंटेज हमें पता नहीं चल पाएगी हम कैसे पढ़े हैं। जैसे हमने इतना कोशिश करी है तो ऐसे कर देना चाहिए था कि जो जो दे सकते हैं उन्हें देना दिया देता। तो आपकी आपने ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाई भी की और पूरी साल आपने फीस भी दी है, अगर ऐसे में परीक्षाएँ नहीं होंगी तो आपकी जो साल है वो भी बर्बाद होगी और जो आपका पैसे की बर्बादी भी होगी। उस पैसों की तो बर्बादी होएगी क्योंकि मैं परसेंटेज नहीं पता चल जाएगी हमारी कितनी आई है। इसलिए क्या चाहते क्या आप? वैसे हम हो भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि हम बड़े ही अच्छे से, ये है कि जो दे सकते हैं उन्हें दे देना चाहिए थे। इतने बड़े बच्चे हैं, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर ही सकते हैं? हम तो कर ही रहे हैं। कर सकते हैं, सरकार को परीक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? ले सकते थे, वो जो दे सकते हैं उन्हें दे देना चाहिए थे। ठीक है। क्या नाम है आपका? सर जगदीप सिंह। आपकी परीक्षाएं जो CBSE की परीक्षाएं वो रद्द हो गई है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? सर प्रभाव तो पड़ेगा सो इस बार बोर्ड के एग्जाम से, और दिक्कत तो होगी सर क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो ज़रूरी होते हैं। इस बार कैंसिल हो गए तो इस बार प्रेशर कम हो गया, पर जो फैसला वो अच्छा ही। पीछे लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे साल पढ़ाई नहीं हो पाई आपकी, कैसे पढ़ाई की आपने और अब क्या आपने मेहनत की थी एग्ज़ाम देने के लिए, कैंसिल हो गए? सर ऑनलाइन क्लास तो हुई थी पर उसमें ज़्यादा कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, क्यों कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो जाती थी टीचर की और कभी हमारी हो जाती थी, और फिर जब स्कूल खुले तो उसमें भी कई मैम आ नहीं रही थी, और फिर यहाँ ट्यूशन आए तो यहाँ पर भैया ने बहुत अच्छे से समझाया, एक एक चीज़ समझाई थी अच्छे से और पेपर अच्छे से हो गए। आपकी पूरी साल की अगर परीक्षाएँ नहीं होती हैं तो कितना नुकसान होगा? आपने पूरे साल की फीस भी दी है, ट्यूशन फीस भी दी है। सर नुकसान तो हुआ है सर जी, पर अगर आप इस बार को पास कर दे तो अच्छा है, अगर ना करे तो फिर सर पैसे का भी नुकसान है, समय का भी बर्बाद। सर चल रही पास तो वो भी हो जाएगा जिसमें पढ़ाई नहीं की होगी, पास आपने पूरी मेहनत की आप भी पास हो जाओगे तो डिस्टेंस कहाँ रह जाएगा, बराबर में आ जाएंगे सारे। सर ये तो बात है, पर इससे डिफरेंस है कि प्रेशर कम पड़ गया बच्चों को, बाकी कोई साल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव गिरा और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ जी। ठीक है, मेरा कोचिंग सेंटर है अपना, और आज की जो डिसीजन आया कि 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो ये डिसीजन जो है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। कुछ ऐसा क्राइटेरिया लेना चाहिए था कि जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन से बच्चों ने पढ़ाई करी है, किन्होंने पढ़ाई नहीं करी। ऐसा तो ये हो गया कि जिन्होंने पढ़ाई करी है और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, हमने पूरे साल बच्चों को मेहनत कराई है तो ये तो सारे बच्चे एक बराबर हो गए। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग करके बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव मैनर में लिया जाए, चाहे कुछ ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर किया जाए जिससे एग्ज़ाम हो सके और चीटिंग वगैरह कोई करे तो पकड़ा जा सके, जिसे हम जज कर पाएँ, तभी तो हम आगे उनको 11th 12th में स्ट्रीम्स दे पाएंगे कि कौन कॉमर्स लेगा, कौन आर्ट्स लेगा, कौन नॉन मेडिकल लेगा। ठीक है, तो ये डिसीजन जो था वो मुझे ठीक
पूरी तरीके से नहीं लगा। इस डिसीजन में दो चेहरे सामने आ रहे हैं सरकार के, एक तरफ तो चुनाव चल रहे हैं, कोई कोरोना डिस्टेंस गाइडलाइन पालन नहीं किया जा रहा, यहाँ बच्चों की पढ़ाई पूरे साल का साल इन्होंने मेहनत की है, अब इनका अचानक सर वो तो गलत है कि रैलियों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई है पूरे साल, फीस इतनी इतनी बच्चों से ले ली एडमिशन फीस, और सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी कोई रोक नहीं लगा रही कि उनकी फीस को रेगुलेट किया जा सके, कोई ऐसी कमेटी बना सके कि रेगुलेट कर सके, तो यहाँ पे लेकिन बच्चों के साथ ऐसा किया। और टेंथ वालों का तो फिर भी डिसीजन चलो ले लिया कि एग्ज़ाम कर दिए कैंसिल, लेकिन ट्वेल्थ वालों को तो अभी भी लटका रखा है कि बता ही नहीं रहे कि एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे, उनको बोल रहे हैं जून को आपका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो सर वो डिसीजन गलत है, बेचारे ट्वेल्थ वाले बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, वो और डीमोटिवेट हो गए, जो अभी तक पढ़ रहे थे आज ट्यूशन कोचिंग सेंटर में बच्चे आए नहीं कि सर पता ही नहीं एग्ज़ाम होने या नहीं होने, टेंथ वालों को भी ऐसे ही लटका दिया, हमें भी ऐसा ही हो गया, तो ये डिसीजन गलत है। क्या नाम है आपका? जतिन। सीबीएसई बोर्ड ने बारहवीं परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, क्या कहेंगे, कैसे पढ़ाई की थी और कितना नुकसान होने वाला है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, पर जिन बच्चों ने जैसे नहीं करी, या मतलब फिर सरकार को इस हिसाब से मतलब निकालना चाहिए था अपना वो मतलब जो रिजल्ट था कि मतलब उनको इस हिसाब से मतलब निकालना चाहिए था कि जो बच्चे मतलब अच्छी मेहनत करके आए हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग से मतलब करवाना चाहिए था, जिसकी वजह से मतलब पता लग जाता कि डिस्टेंस क्या। अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं तो साल पूरी छात्र की बर्बाद हो जाएगी उसमें। सर हमारा जैसे पूरी मेहनत हमने करी है सर, हम रोज ट्यूशन जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, घर में भी हमारा सारा वर्कआउट रहता है, पर अब वही चीज़ को देखते हुए मतलब अगर मेहनत करी है और फिर मतलब सीबीएसई कहती है कि हाँ भाई आपका रिजल्ट मतलब प्रमोट कर दिया जाएगा या स्टॉप कर दिया जाएगा, अब जैसे ऐसे मतलब हमारा टाइम पोस्टपोन हो जा रहा है तो हमारी टेंशनें भी बढ़ती जा रही हैं, और साथ के साथ मतलब ये लगा दीजिए टेंशनें भी बढ़ती जा रही हैं, और ये भी हो रहा है कि मतलब रिजल्ट कैसा आएगा आगे क्या होगा, मतलब सब कुछ डाउट में है, एवरीथिंग इज इन कंफ्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।